दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरा वीडियो देख करके जाना, यदि आपको पसंद आए तभी देखो, अन्यथा आप छोड़ के भी जा सकते हो, मर्जी आपकी है। लेकिन ये पीडीएफ जो हमारे पास आई है बहुत ही ज्यादा काम की है हर आंगनबाड़ी बहन की। आपको बता दें मैं सुनीता देवी उत्तर प्रदेश बरेली ब्लॉक आलमपुर वगैरह जाफराबाद से हूँ भैया, या हमारी सुपरवाइजर ने भेजा है, जरा बहनों को समझाएं या परेशान वगैरह हो रही है तो वहां पर बता दें, जो भी बहन है वो परेशान मत हो। सभी को हम बताना चाहेंगे, बहुत ही अहम हमारे पास पीडीएफ हाथ लगी है, इसमें सब लिखा हुआ आंगनबाड़ी बहनों क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है, क्या करना है, बहुत कुछ है जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगा, आप लोगों के अच्छे एक बेहतर तरीके से काम करने को लेकर के। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें यह मासिक बैठक क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी दे दें। आप लोगों को तस्वीर भी अच्छी दिख रही होगी, अच्छा भी लग रहा होगा देखने में, जैसे एक महिला है, उसके बाद देखो बच्चा हुआ, उसके बाद सब क्या, उनको खिलाना पिलाना, उसको सुपोषित बनाना, यह सब जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, एक कहानी का कार्यक्रम भी चलेगा, एक प्रसव की कहानी, इसमें क्या खास है वो हम आपको बताएंगे। देखो एक कहानी आधारित रखी गई है, उसी का उदाहरण देते हुए गांव में जाना है, आप लोगों को समझाना भी है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, आइए उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, एक प्रसव की कहानी क्या है, हम पहले आपको कहानी ही सुना देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये कहानी हमारे जैसे एक गांव में रहने वाले राहुल और काजल की है। राहुल और काजल की शादी को 3 साल हुए थे। राहुल की पहली बिटिया जो है सीमा, वो 2 साल की है। समय जो है सीमा जो है यहां पर लिखा है, जब 1 साल से थोड़ी बड़ी हुई थी तब काजल ने अपने जो है यहां पर बेटे को जन्म दिया। लल्ला का जन्म घर पर एकाएक हो गया। रात को काजल को अचानक जो है हुई तेज दर्द होने लगी। राहुल की मां और पड़ोस की जो है चाची ने जैसे तैसे घर पर ही काजल का जो है डिलीवरी वगैरह करवा दिया। अब लल्ला के जन्म से जो है परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए हैं, आखिर यह उनका पहला बेटा था ना, और पर यह जो है खुशी कुछ ही घंटों में गम में बदल गई और काजल के हालात जो है डिलीवरी के बाद बिगड़ती चली जा रही थी। लल्ला के जन्म के बाद से काजल का खून बहना बंद नहीं हो रहा था। राहुल के गांव से वगैरह यानी राहुल के गांव से सबसे जो है करीब का अस्पताल भी जो था वो भी कम से कम यहां पर 3-4 जो है घंटे की दूरी पर था। इसीलिए उसने जो है अफरा तफरी में पास के गांव में एक दाई को बुला लिया, पर दाई की सुबह तक जो है वो भी बेचारी पहुंच पाई, परंतु देर हो चुकी थी और काजल ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया और राहुल और उसका परिवार जो है इस सदमे में आ गया। काजल के चले जाने के बाद लल्ला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लल्ला का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। लल्ला को उसकी दादी कभी ऊपर से बकरी का दूध पिलाती तो कभी पानी देती, पर लल्ला को बार बार दस्त और बुखार भी इससे आने लगी। लल्ला का वजन कम होता जा रहा था और उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार काजल की डेथ के बाद में 1 महीने बाद लल्ला भी चल बसा। आज 1 साल बाद जो है सीमा का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यानी सीमा वही जो बेटी जो 2 साल की उस समय पर थी यानी अभी है, और उसके 1 साल होने पर एक और बच्चा हुआ था जो मान लीजिए कुपोषित था और उसको केंद्र पर या यूं कहें सरकारी अस्पतालों में नहीं ले जाया जा पाया। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए ये सब चीजें कहानी बनाई गई है। तो बताया गया सीमा बहुत कमजोर भी है, यानी वही जो एक बच गई है उनकी बेटी, वो बहुत कमजोर है, बार बार बीमार भी पड़ती रहती है। सीमा को देखकर जो है पता चलता है कि वह अति कुपोषित वगैरह बच्चे वगैरह की श्रेणी में आती है। तो इसमें लिखा हुआ है एक प्रसव की कहानी में आप लोग जैसे वहां पर सवाल भी पूछ सकते हो, जैसे कि सभी को बताएं कि यह मासिक बैठक और औचित्य वगैरह समझने की कोशिश हम कहानी से शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने के लिए सब बताया गया, कहानी वगैरह पढ़ाना बहुत यानी सुनाना बहुत जरूरी है, तो उनसे बाद में पूछो कि जो भी लोग वहां बैठे हो, हम जो है यहां पर क्या हमें से किसी ने अपने गांव में भी किसी माता की मृत्यु काजल की तरह प्रसव या प्रसव होने के बाद में संबंधित किसी कारण से वगैरह देखी है? क्या हम में से किसी ने अपने गांव वगैरह में कभी किसी बच्चे की डेथ वगैरह पर लल्ला की तरह वगैरह सब देखी, जो भी जो है यानी मां के नहीं रहने पर लल्ला की भी डेथ हो गई? तो ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, इसीलिए लिखा है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा को अपने खुद के अनुभवों के जो है अनुसार कारण बताने को कहें और क्या हो सकता है पूछते भी रहें, ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो अब ये देखो आप लोगों भी समझदार हो समझ चुके होंगे, आगे बताना चाहेंगे। ये देख लीजिए अब कहानी के बारे में, ऐसे गांव-गांव जाना है यानी गांव में लोगों को समझाना है बताना, जैसे आप ये देख रहे हो ये बिटिया बैठी है, मान लो वही वाली है जिनकी मां भी चल बसी है, बेटा था वो भी चल बसा, अब ये अकेले रह गई, अब इसके मानसिक विकास पर भी जो असर पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मां नहीं है तो चिंता बढ़ेगी और अच्छा खाया नहीं पाएगी, इसका ध्यान कौन रखेगा, तमाम कारण अपने आप जो सामने आ जाएंगे, इसके चलते बच्चा ऑटोमेटिक जो है अति कुपोषित श्रेणी में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, काजल लल्ला और सीमा को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो इसके बारे में देखो क्या लिखा है। चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए भी जो है कार्यकर्ताओं से निम्न प्रश्न भी आप पूछ सकते हो। साथ ही ये देख लो यहाँ पर लिखा है कार्ड दिखाकर किसी भी कार्यकर्ता को लिखें, वे सवालों को पढ़ने के लिए भी कहें, कार्यकर्ता को जो है सवाल के जवाब देने के लिए भी कहें। ये सब चीजें आपसे भी पूछी जा सकती हैं यदि कोई अधिकारी आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और समझे। काजल की डेथ के कारण क्या थे, लल्ला की डेथ के कारण क्या थे, सीमा इतनी कमजोर क्यों है, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सब देख लो। सीमा की मदद जो है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कैसे कर सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी है। तो आप लोग किस तरीके से इनकी मदद कर सकते हो, सरकार जैसे जो योजनाएं दे रही है या कुछ भी खाने पीने के लिए या योजनाएं चल रही हैं कि घर घर जाओ उनको समझाओ अच्छा खिलाएं या जो भी है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों को सब सोचना समझना है। आगे है काजल लल्ला और सीमा को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे काजल और लल्ला की जान में जो है कोई गई है और सीमा की जो है हालात ऐसी क्यों है, इन सब के कारण जो है क्या रहे हैं आखिर, वो अपने मन से आप लोगों को सोचने हैं और बैठकों में लोगों को समझाना है बताना है। यह मासिक बैठक इसीलिए आवश्यक होती है, इसके बारे में आप लोग अपने मन से सवाल पूछो और लोगों को जानकारी भी दो। अब देखो इसमें और भी लिखा हुआ, जैसे मासिक बैठक में और क्या होगा, जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे समीक्षा भी की जाती है, पिछले माह में ग्रह भेंटों में क्या पाया गया है, क्या सीखा गया, इसकी समीक्षा भी की जाती है। आप देख सकते हो समीक्षा ही हो रही है, नई बातें भी जो है सीखने को मिलती है, विभिन्न तकनीकी तथा व्यवहारिक विषयों पर परिवारों को क्या जानकारी देनी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। योजना यानी नए विषय से संबंधित कार्य योजना आने वाले माह के लिए क्या है, उसके बारे में भी जो है मासिक बैठक वगैरह में की जाती है। आगे देखो इसका क्या मतलब है, हमारा काम बढ़ेगा क्या, तो काम तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन काम ही तो करना है, ये सब चीजें हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कहानी भी देखो इसमें एक और है, कहानी सिर्फ वगैरह मेहनत करना काफी नहीं है, समझदारी से काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, वो देखो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन यदि आप स्मार्ट वर्क करो तो वो ज्यादा बेटर है। इसीलिए जो है हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क ज्यादा बेटर होता है, और यहां पर आप कह सकते हैं कि कड़ी मेहनत से ज्यादा अच्छा होता है कि आप समझदारी से भी जो है काम लो, समझदारी से आपकी मेहनत कम हो जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखिए। इसका यहां पर लिखा क्या, इसका मतलब हमारा काम बढ़ेगा, लिखा है नहीं, जो इसमें लिखा नहीं, हमसे जितना काम जो है अभी अपेक्षित है हमें जो है उससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हम सीखेंगे कि हम अपना काम कैसे समझदारी से करें और उससे और बेहतर परिणाम कैसे पाएं। यानी स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से क्या समानताएं हैं, हम आपको बता दें, यानी आईसीडीएस विभाग और आपका जो स्वास्थ्य विभाग है इनके कार्यक्रमों में समानताएं क्या हैं वो आप देख लो। यानी आपका स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग, देखो लिखा है जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, दोनों का बराबर काम है, और डेथ एवं कुपोषण में कमी लाना, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस विभाग दोनों का ये जो काम है वो समानता वाला है। ये आप देख सकते हो, ये सब चीजें हैं आप लोगों को जो दिखाई जा रही हैं। आगे बता दें और भी, महिला पर्यवेक्षक और एएनएम की भूमिका आखिर क्या रहती है, इसके बारे में भी यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से महिला पर्यवेक्षक और एएनएम की भूमिका। देखो महिला पर्यवेक्षक ये हैं आपकी एएनएम वगैरह, महिला पर्यवेक्षक और एएनएम इनकी जो है ये सहायता आप लोगों की करेंगी, यानी करेंगी समस्या का समाधान करने में और समीक्षा करने में, मतलब जो भी काम आप कर रही हो उनकी समीक्षा भी करनी है, और यदि कोई समीक्षा के दौरान समस्या आपको आ रही तो उसका समाधान भी करेंगी यानी सहायता भी करेंगी। ये आपकी महिला पर्यवेक्षक और एनएम का काम होता है। अब आगे ले चलते हैं, आपको और बता दें, जैसे ये देखो मासिक बैठक के बाद में क्या होगा, इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। तो यहां पर लिखा एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान करना है, और ये देख लो समाधान वगैरह के लिए है, जैसे गृह भेंट वगैरह, स्वास्थ्य पोषण सेवाएं हैं, और ऐसे ही देख लो इससे जुड़ा हुआ सभी महिला एवं बच्चों तक पहुंच वगैरह अपनी बनानी है। ऐसे समस्या मान लो एक और आ गई है मान लीजिए, और इसमें लिखा है कि गृह भेंट या सेवा देते समय कोई समस्या आती है तो उसके बारे में आपको पर्यवेक्षण वगैरह करना है, और जैसा कि यहां पर देख सकते हो पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर और LS वगैरह, ANM वगैरह, CDPO वगैरह, चिकित्सा अधिकारी वगैरह, इनसे दो है यहां पर पर्यवेक्षण वगैरह ले सकते हो, समाधान ये आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो ये सब चीजें हैं, मासिक बैठक इसीलिए जरूरी होती है कि यदि कोई समस्या आ रही है तो आप अपने अधिकारियों से मासिक बैठक के दौरान में समस्या का समाधान करवा पाओ। आगे देखो आने वाली मासिक बैठकों में किन विषयों पर बात भी करनी है, उसके बारे में यहां पर सवाल जवाब लिखे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, यहां पर देख लीजिए हम आपको कुछ मेन पॉइंट बता देते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है दिनों के बारे में, यानी गर्भावस्था का कुल समय 280 दिन आखिरी महावारी की तिथि में गिनते हुए, पहले दो साल लिखे 365 पर 365 यानी 730 दिन वगैरह, और कुल 1010 दिन, 1000 दिन के आसपास। वही तो आप लोगों को एक कार्यक्रम चल रहा है 1000 दिवस, तो 1000 दिवस ये वही वाले हैं जिनके बारे में आप लोगों को ज्यादा फोकस इस सितंबर माह में करना है, और उपरोक्त की जानकारी हमने पहले ही दे रखी है। अब आपको ले चलते हैं अगले यहां पर पेज पर, जैसे हम इन मासिक बैठकों में किन बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे देख लीजिए प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में, परिवार जो नियोजन परामर्श के बारे में, प्रसव पूर्व वगैरह आपातकालीन तैयारियों के बारे में, यानी जब भी कोई दिक्कत हो आने वाले समय में तो उसके पहले ही आप लोग तैयारी कर लिए हो तो अच्छी बात है, टीकाकरण एवं प्रसव पश्चात जो है परिवार नियोजन के बारे में, और साथ ही ये भी देख सकते हो यहां पर सब चीजें और भी दी हुई हैं,
निरंतर स्तनपान और पूरक आहार के बारे में जो है यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। कुशल जन्म प्रसव वगैरह, प्रसव पश्चात देखभाल, नवजात शिशु की वगैरह वहां पर आवश्यक देखभाल वगैरह करना और केवल स्तनपान कराना, इस सबके बारे में आपको जागरूक करना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब ग्राफ बना है, डेथ वगैरह का है, शिशु डेथ का है, और ये देख लीजिए कुपोषण को लेकर के है। लाभार्थियों से संपर्क करने की उचित समय वगैरह भी आप लोग यहाँ पर नजर कर पा रहे होंगे, कब क्या कैसे करना होता है। तो यहां पर आपको बता दें, ये सब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट पड़े हुए 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आगे बताना चाहेंगे कहां से शुरू करें, क्या करें, ये सब है। तो आइए आगे ले चलते, और भी एक अच्छा यहां पर हमारे पास बनकर के आया, जैसे आखिर हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे, जैसे देखिए कि कहां से शुरू करें हमारे उद्देश्य। जैसे हमारे क्षेत्र में सभी परिवार सही स्वस्थ वगैरह परिवार व्यवहार अपनाएं, हमारे क्षेत्र के सभी परिवारों को सही महत्वपूर्ण सेवाएं वगैरह मिले और हम सभी परिवारों तक अपनी पहुंच बना सकें और कोई जो है कोई भी परिवार वगैरह हमसे छूटे नहीं, इसके बारे में भी जो है आप लोगों को सोचना है और सोच करके इसका समाधान निकालना है। आगे ले चलते हैं और बता दें, जैसे ये देख लो हमारे क्षेत्र की स्थिति के बारे में हमारी जानकारी कितनी संपूर्ण है, ये भी इसके बारे में आपको देखना है। अगले महीने के कार्य बिंदु क्या है वो भी आप लोगों को देखने हैं, जैसे कि ये देखो नक्शा व डाटा ट्रांसफर वगैरह सीट बनाना, क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाएं और या उसे सुधारें, डाटा ट्रांसफर सीट बनाएं, ये देख लीजिए। इसीलिए आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों का नक्शा बनवाया गया था। नक्शा कुछ इस तरीके से बनवाया जाता, जैसे मान लो ऊपर की तरफ ये हो गया उत्तर, नीचे हो गया आपका दक्षिण, इधर हो गया आपका पूर्व और इधर हो गया आपका पश्चिम, ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर गाँव कहाँ से है, मान लो एंट्री है, ये सब आई रोड बोर्ड है अपना, इधर से यहाँ गया, ऐसे जहाँ पर जितने जैसे घर हैं जो भी है, आप लोग अपना नक्शा जितने अच्छे से बना सकते हो बना लीजिए। अब देखो यहाँ पर नक्शे में ये भी संकेत दे दिए जाते हैं, जैसे ये स्कूल हो गया, रेल लाइन हो गई, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, घर हो गया, मंदिर हो गया, और यहाँ पर पेड़ है, सार्वजनिक जो है चौपाल कहाँ पर बनी है, नल वगैरह कहाँ पर है, ये सब देखो यहाँ पर नक्शे में बना दिया गया है कहाँ पर क्या है। आंगनबाड़ी केंद्र देखो कहाँ पर नक्शे के मुताबिक बना है, यदि नक्शा सही बना होगा तो कोई भी चेक करने के लिए आएगा तो नक्शे के मुताबिक सीधा यहाँ पर चला आएगा। और देखो इसीलिए आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वगैरह वो सूचना भी मांगी गई है ताकि केंद्रों पर आसानी से जो पहुंच बनाई जा सके। आगे देख लीजिए अगले माह पर्यवेक्षक और ALS जिनको बोलते हैं, यानी ALS वगैरह बोलते हैं, नर्स दीदी वगैरह हैं, NM वगैरह हैं, और वो क्या करेंगे, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों की सीमा निर्धारित करने में मदद करेंगी और परिवारों का सर्वे करने में जरूर मदद करेंगी, मुश्किलों का समाधान भी करेंगी। ये सब जो है इन लोगों का भी काम होता है बहनों का। अब आप लोगों को यह दोपहर का वीडियो कैसा लगा, हो सकता है भाई बहुत से लोगों को पसंद ना आए, सोच रहे हो कि इसमें खबर क्या है, तो भाई खबर भले ही ना हो लेकिन ये जानकारी अच्छी है इस